भवानीपुर में पप्पू यादव को देखने के लिए उमड़ी जनता की भीड़। जन अधिकार पार्टी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में रुपौली विधानसभा अंतर्गत भवानीपुर प्रखंड के हाई स्कूल के क्रीड़ा मैदान में रविवार को जाप के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता रामचंद्र दास ने की, वहीं मंच संचालन जाप के प्रखंड अध्यक्ष विक्की भगत ने की। सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्णिया ने हमेशा इतिहास लिखा है। आज रुपौली विधानसभा के भवानीपुर में रिमझिम बारिश के बीच जिस तरह से लोगों का प्यार और स्नेह मिला है वह अभूतपूर्व है। बिना एमपी एमएलए रहते भी रुपौली विधानसभा की जनता के साथ मेरा आत्मीय संबंध रहा है और मैं हमेशा सबों के सुख दुख में शामिल होता रहा हूँ। आज रुपौली विधानसभा के भवानीपुर को एक कर्मयोगी की जरूरत है जो यहाँ के लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ सके। अब बताइए ना, आज तक भवानीपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरा लक्ष्य यहाँ डिग्री कॉलेज के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के अन्य प्रतिष्ठान को भी स्थापित करना है। कोई आंगन अपने बेटे को नहीं भूल सकता है, इसलिए पूर्णिया को उपराजधानी और हाई कोर्ट के बेंच चाहिए। मक्का और मकान का उद्योग चाहिए। पूर्णिया रुपौली और भवानीपुर को हम रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। मेरा संकल्प है कुरसेला से भवानीपुर होते हुए वीरपुर तक रेल लाइन ले जाने का काम करेंगे। भवानीपुर की जनता ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद आज दिया है मैं उनके सामने संकल्पित होता हूँ। भवानीपुर से जल निकासी का समाधान निकाल कर ही दम लूंगा। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक सह समाजसेवी शोभाकांत यादव, मोहम्मद मितुर रहमान, पूर्व मुखिया आसिफ आलम, युवा समाज सेवी सपेक्ष अध्यक्ष तबरेज आलम, पूर्व मुखिया समीम सलाम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पति अभिषेक कुमार उर्फ सिंटू, छात्र नेता छैला यादव, छात्र नेता रमन कुमार, छात्र नेता एजाज शेख, विनय यादव, जिला परिषद प्रतिनिधि पति दीपक शर्मा, भगवान पंडित, राजेश यादव, जाप प्रवक्ता जितेंद्र यादव, जाप महासचिव सह प्रवक्ता फजील अहमद, युवा शक्ति अध्यक्ष दिलखुश यादव, सरपंच संतोष यादव, मुखिया रिंकू यादव आदि मौजूद थे। जैसे मैंने फोन पर बातचीत की विक्टर जी से लेकर प्रवेश बाबू सभी लोग जितने लोग तोमर साहब के भैया अपनी छोड़ दो तोमर से प्यार करते थे। जब लोग इंसानियत को तवज्जो देते थे, जब लोग मानवता के लिए मरने की तैयारी करते थे, जब लोग हर आंगन में हर घर में रहने के लिए रिश्ते की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो एक दूसरे से आंख में आंख मिला के बात करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के करीब होना, एक दूसरे के बगैर नहीं जीना, एक दूसरे के दस्तक थाम के लाना, एक दूसरे के परिवार के बीच खाने और रिश्तों के बीच रहना, क्यों वो खत्म हो गया? काहे इलाज के नाम पर आज जो लूटा जा रहा है, अगर उससे कोई बचा सकता है तो उसका नाम राजेश रंजन और पप्पू यादव। जो ब्लॉक की दलाली को खत्म कर सकता है, जो छात्री व नौजवानों की आवाज को पूर्ण कर सकता है, जो बिहार की आवाज को सदन में कह सकता है, उसका नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव। आप सभी साथियों का बहुत कम समय में मैं बोलकर अभिवादन करकर एक बार जोर से पप्पू यादव जिंदा पाए, इनको भवानीपुर प्रखंड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
हम उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं। मैं घटना है जहां सबसे पहले पप्पू यादव ना पहुंचा हो, घटना घटी 6 घंटे के अंदर पप्पू यादव, 4 घंटे के अंदर पप्पू यादव, कोई ऐसी घटना जिसको न्याय ना मिला होगा।